हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। और हम बात कर रहे थे इन वीडियो की सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। ये बुक है स्पेक्ट्रम की, जो कि आती है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका ये सेकंड पार्ट है, यानी कि दूसरा हमारा लेक्चर है यहाँ पर। इसका पहला लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके चैनल में देख सकते हैं, या फिर मैं उसकी प्लेलिस्ट या जो उसका लिंक होता है मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जो वॉइसरॉयस थे, जो वायसराय जो भारत में आए थे पोर्तुगीज़ के, उनमें हमने पिछले कई सारे जिसमें हम देखते हैं अल्फेंसो डे अल्बाबुकरेस जो थे उन तक हमने पढ़ा था। इसके बाद जो आता है वो नेक्स्ट आता है नीनु द कुन्हा। आपका कुछ जो प्रोनंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि एक अलग सा नाम है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है इससे पहले भी हम देखते हैं कि ये नीनु कुन्हा का जो पोर्ट्रेट है बना हुआ, और इनसे पहले भी कि हम देखते हैं जो हमने देखा फ्रांसिसो दे अल्बुकर्क जो थे वो 1509 तक वो रहते हैं वायसराय भारत के पुर्तगाली हिस्से के यहाँ पर। और फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो कुन्हा जो हैं वो 18 नवंबर 1529 से आते हैं, 10 साल बाद का फ़र्क आ जाता है एकदम से। और जैसे कि हम जान चुके थे पिछली वीडियो के अंदर कि जो पोर्तुगीज़ जो रूलर थे या फिर जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने जो वॉइसराय अपॉइंट करे थे इंडिया के लिए, वो हर 3 साल के लिए करते थे वो अपॉइंट यहाँ पर। तो ये काफ़ी लंबा अरसा हो जाता है यहाँ पर, और तो 29 यानी कि सॉरी ये 19 9 नहीं, ये 19 साल का फ़र्क हो जाता है। तो इस बीच में भी कई सारे भारत के अंदर पोर्तुगीज़ के वॉइसराय होते हैं, और साथ में कुछ गवर्नर्स भी होते हैं, वायसराय और गवर्नर अलग अलग चीज़ें थोड़ा, मतलब फिर भी वही बात रहती है यहाँ पर, वो जो रूल हैं वो करने के लिए पोर्तुगीज़ जो रूलर हैं वो किसी किसी को भेजते हैं इंडिया में। तो उनके कुछ नाम मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है नीनु कुन्हा के बारे में। तो यहाँ पर जो नीनु द कुन्हा है वो इंडिया में आते हैं, और उनका जो रूल है या फिर जो उनका टेन्योर है वो शुरू होता है 18 नवंबर 1529 से सितंबर 1538 तक, यानी कि काफ़ी अच्छे टाइम तक यहाँ पर इंडिया में रहते हैं, काफ़ी लंबे तक इनका रहता है। यानी कि हम मान सकते हैं कि 9 साल तक इन्होंने यहाँ पर, मतलब 3 टेन्योर इनके निकले, क्योंकि 3-3 साल का हुआ करता था, तो 3 बार इनका बना सिस्टम यहाँ। तो क्या हुआ, इनको एक्सपीडिशन पर भेजा गया, इन्होंने क्या करा, सॉरी इनको भेजा नहीं गया, इन्होंने भेजा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं इनको जो इनसे पहले वॉइसरॉयज रहे वो जितना रूल जितना एरिया जो कॉन्कर्ड कर लिया था पोर्तुगीज़ ने उन्हीं पर रूल करा, और छोटी मोटी जो झड़पें होती हैं वो चलती रहती थी लोकल रूलर से, कभी लोकल रूलर्स भारी हो गए कभी वो भारी हो गए, मगर जो उनका जो उन्होंने एरिया कॉन्कर्ड करा था या फिर उन्होंने जो अपने एरिया में कब्ज़े में एरिया को लिया था, इसमें कोचीन कन्नानूर कालीकट कुछ चीज़ें थी, तो वो उनके कंट्रोल में रहा, और दीव भी उस टाइम तक उनके कंट्रोल में आ चुका था। अब बात आती है जब हमने पढ़ते हैं अपनी इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हम देखते हैं दमन और दीव ये हमारे हमारी यूनियन टेरिटरीज बनती हैं, हालांकि अब इनको मर्ज कर दिया गया है, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली बन चुका है पूरा यूनियन टेरिटरी। तो हम ये देखते हैं कि भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद भी दमन और दीव पर भी कंट्रोल रहता है पोर्तुगीज़ का। तो दमन कैसे उनके हाथ में आया इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो ये आते हैं जिस साल ये आते हैं अपने एक साल के अंदर ही अंदर 1529 में एक एक्सपीडिशन भेजते हैं क्या करने के लिए, जो दमाऊ जिसको ये दमन को दमाऊ बोलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, दलाने के लिए, उसको बर्बाद कर देने के लिए पूरी तरह से। अब दमन का जो एक मैप है मैंने ले रखा है यहाँ पर, इसमें मैं दिखाया था आपको दमन कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए गुजरात है, गुजरात का ये जो रीजन है, यहाँ पर है दीव और यहाँ पर है दमन, ठीक है, इस एरिया में दमन आता है, और छोटा सा टापू सा है जो दीव यहाँ पे निकला हुआ है थोड़ा बाहर को। तो ये इसी को कंट्रोल करने के लिए, इस पर कैप्चर करने के लिए भेजते हैं एक्सपीडिशन, और उसमें क्या होता है अरेबियन सी में जाते हैं ये, और जो दमाऊ रिवर है उसको पार करके 100 मील तक अंदर घुस जाते हैं, जो 100 मील तक या जो नॉर्दर्न वो मुंबई है उससे 100 मील आगे तक चले जाते हैं, कि मुंबई जो है उस टाइम तक इनके कंट्रोल में नहीं होता, आ चुका बाद में आ जाता है इनके कंट्रोल में वो मुंबई भी। तो यहाँ पर गुजरात में रूलर होते हैं जिन्हें कहा जाता है उस टाइम के अंदर सल्तनत गुजरात, गुजरात नहीं बोलते थे वो गुजरात बोलते थे, सल्तनत गुजरात में रूलर्स थे यहाँ पर अच्छे खासे। इसमें आप जानेंगे कि एक महमूद शाह बेगड़ा भी होते हैं जिनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं दमाऊ पर कब्ज़ा कर नहीं पाते,
कब्जा ये कर नहीं पाते, हमला कर डालते हैं और कमज़ोर कर डालते हैं दमन को। और इन्हीं के टाइम में क्या होता है कि जो पुर्तगालियों की राजधानी होती है वो पहले कोचीन होती है, कोचीन से क्या कर डालते हैं कि गोवा की गोवा बाद में उन्होंने कैप्चर करा था। कैप्चर कैसे करा था ये बता दूंगा मैं भी आपको इसके अंदर ही। इन 1532 गुजरात केम अंडर अटैक। गुजरात क्या है, अटैक आता है गुजरात पर, यानी किसी ने हमला करा। कौन हमला करता है, मुगल सेकेंड मुगल एम्परर जो होते हैं हुमायूं अटैक करते हैं, किस लिए, गुजरात को अपनी मुगलिया सल्तनत में मिलाने के लिए। काफ़ी लंबे टाइम तक वो रहते हैं यहाँ पर, देखिए 1532 से 1536 तक हम गए हैं तो यहाँ पर वो रहते हैं, मतलब घेराव करके रखते हैं गुजरात का। हालांकि वो काफ़ी टाइम तक बाद में वो चले जाते हैं वहाँ से। तो ये गुजरात के जो सल्तनत होते हैं, बहादुर शाह जो हैं महमूद शाह बेगड़ा के बाद आते हैं, काफ़ी ये उनके मतलब बात के रूलर होते हैं ये। तो उन्हीं के टाइम में क्या होता है, बहादुर शाह कहते हैं यार ये पुर्तगाली हैं तो हम पुर्तगालियों से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, दो साइडों पर लड़ना तो कहीं भी मुमकिन नहीं होता, यानी कि दो फ्रंट खुल जाते हैं तो जो रूलर होता है उसकी हार क्या होती है, हमेशा ज़्यादातर ऐसा हो ही जाता है। तो यही चीज़ सोचकर जो सल्तनत गुजरात होती है उसके जो रूलर होते हैं बहादुर शाह, वो क्या करते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं पोर्टुगीज से, मतलब एक तरह से हाथ मिला लेते हैं उनसे, और जो कि ये संधि कहलाती है। इसमें पोर्टुगीज ऐसे कहते हैं, एक तरह से संधि लिखित नहीं होती, मगर ये जो बेसिन का आइलैंड होता है जैसे बसाई आइलैंड कहते थे पोर्टुगीज, वो उनको दे दिया जाता है। किसने दे दिया जाता है, क्योंकि जो पोर्तुगीज होते हैं उनको चाहिए होता है कि यार कहीं पर से एक आध पोर्ट हमें और मिल जाए, आइलैंड मिल जाए जैसे हम व्यापार कर सकें। कोचीन है, कलिकट है, कन्नानूर है और जो गोवा है, उनसे इतना ज़्यादा व्यापार नहीं होता था जितना कि यहाँ पर हम देखें कि बसाई है या फिर जो ये आसपास दमन दीव का एरिया है, क्योंकि सूरत के आसपास थे ये, जितना व्यापार यहाँ से होता था। तो ये इनको दे दिया गया साथ में आइलैंड, और इस पर कहा गया कि जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी पैसा आप कमाएंगे वो आपका होगा यहाँ पर। इससे क्या है, पुर्तगालियों की आंखें फट जाती हैं कि अब यार कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे वो और जमते हैं भारत के अंदर। फिर आगे हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये रहा। अब बहादुर जो शाह जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब हुमायूं लौट जाते हैं 1536 में, मैंने टाइम नहीं लिखा मैं बता देता हूँ मैं आपको, 1536 में हुमायूं को लगता है कि गुजरात में कंट्रोल करना या फिर व्यवस्थित कब्ज़े में लेने से कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा, तो हुमायूं क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं और अपनी दिल्ली वापस लौट जाते हैं। मगर अब तक क्या होता है, जो बहादुर शाह जो होते हैं उनका मन बदल चुका होता है, उनको जो ये पुर्तगाली होते हैं उनको खलने लग जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि बुरे लग जाते हैं कि यार मैंने अपना इनको आइडिया में दिखाया गलती से, बाद में गलती का एहसास हो जाता है ना इंसान को, वही चीज़ यहाँ पर बहादुर शाह को भी होती है। इससे जो बहादुर शाह हैं और पुर्तगीज़ हैं इनके जो रिलेशन होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं आपस में। फिर बाद में क्या होता है कि 1537-35 के अंदर या 37 के अंदर पुर्तगाली बुलाते हैं बहादुर शाह को और कहते हैं कि हम आपसे एक ट्रीटी करेंगे, और ट्रीटी के जब पुर्तगीज़ बुलाते हैं बहादुर शाह को तो वो उनको वहाँ पर मार डालते हैं, और इस तरह दमन जो होता है वो उसको कब्ज़े में ले लेते हैं अपने, पूरी तरह से बसाई वगैरह जो भी रीजन था वो काफ़ी इनके कब्ज़े में आ जाता है। मगर यहाँ पे ये बात याद रखनी है हमें, जो सल्तनत गुजरात है, जो ये सल्तनत गुजरात है ये ख़त्म नहीं होती, दूसरे रूलर होते हैं वो राज करने लग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके रिश्ते से पता चल जाता है कि जो पुर्तगीज़ हैं वो कितने क्रूअल थे, मतलब कितने ही क्रूअल थे, बहुत ज़्यादा के दमनकारी थे वो, उनको कुछ फ़र्क नहीं था बस राज करना है। क्योंकि सल्तनत गुजरात में एक बात और थी कि मुसलमान भी थे, जो पुर्तगाली थे उनके दिमाग में तो पहले से ये था कि हम मुसलमानों को हटाते हुए आए हैं और मुसलमानों के जो मोनोपली है, जो उनका राज है, उसको बर्बाद कर देना है यहाँ पर। अब आगे हम चलते हैं इस में क्या पता चलता है, इसके बाद क्या करते हैं पुर्तगीज़, काफ़ी लंबा से गुजरता है उनको मारने के बाद, सल्तनत गुजराती कई सारे एरियाज़ को कैप्चर करते हैं, जैसे कि दमन 1531 में इन्होंने कैप्चर कर लिया था इसको, और कब तक करते हैं, मतलब जैसे कब्ज़ा करते हैं, और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि किलेबंदी करना, अपना सिस्टम बनाने में उनको काफ़ी टाइम लगता है, और 1537 तक वो ये काम पूरा कर लेते हैं। फिर सेलसेट, बम्बई को बहाव कहा जाता था उस टाइम, एंड बकायम, इनको कैप्चर के कर लेते हैं इस तरह से। डी कोन्हा क्या करता है यहाँ पर कि पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करता है बंगाल में भी। अब
वो कहता है कि चलो यहाँ तक तो हमने कैप्चर कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो वो यहाँ पर बंगाल है, बंगाल में कोशिश करता है अपना कैप्चर जो रीजन है, जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने का। और यहाँ अंदर नहीं बनाता वो, उसके अंदर वो बढ़ाता है जो पुर्तगीज़ थे, क्योंकि वो ज़मीन पे तो मज़बूत नहीं थे, वो नेवी के अंदर मज़बूत थे। इसने जो यहाँ की जगहें होती हैं उन पे अपने अपने कई जगहों पे आप देखेंगे तो वो बेस बनाता है अपना, और जो लोग होते हैं उनसे एक तरह का टैक्स लेता है, या फिर हम कह सकते हैं टोल लेता है, कि अगर आपको जाना है व्यापार करना तो आपको टोल हमें देना पड़ेगा, वरना आपकी जो शिप है वो हम डुबो देंगे, जिसको ये पायरेसी भी कहा जाता है उस टाइम के अंदर। फिर यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे नेशनलिस्ट को फेटल करते हैं यहाँ पर, बनाता है यहाँ पर। और ये एक चीज़ और करता है यहाँ पर हिंदा कोन्हा, और जो इससे पहले भी होते हैं फ्रांसिस्को डे अल्बुकर्क, वो कहते हैं कि अगर हमें इन्फ्लुएंस बढ़ाना है पोर्तुगीज़ का या फिर पुर्तगाल का इंडिया के अंदर, तो जो पोर्तुगीज़ लोग हैं या आदमी जो हैं उनको शादी करनी चाहिए इंडियन महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से शादी करनी चाहिए उनको। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो पोर्तुगीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस आराम से बढ़ जाएगा। अब जो ये हुगली है, हुगली के बारे में यहाँ पर ये होता है कि जो पोर्तुगीज़ हैं वो ख़ुद ही इसको बनाते हैं। सतगांव आता है अभी, आगे जो बताऊंगा मैं आपको, तो वहाँ पर इसका हम बताएंगे कैसे कैसे ये होता है हुगली के बारे में, क्योंकि ये जो हमारी बुक है उसके अकॉर्डिंग ये बाद में आता है, काफ़ी टाइम ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें बताई नहीं गई, इसके अंदर बाद में बताया गया है, तो बताऊँगा मैं आपको इसके बारे में। ये नई पोर्ट जो होती है हुगली, इसको ये पोर्तुगीज़ ख़ुद बनाते हैं, और यहाँ से ये स्लेव ट्रेड भी करते हैं और साथ में पायरेसी भी करते हैं, मतलब कब्ज़ा करना चाहता है वो डुबो देना यहाँ पर। इट वॉज 2 फरवरी 1559 पोर्तुगीज़ फाइनली कॉन्कर्ड दमन। अब देखिए 1559 में यहाँ पर कितना लंबा फ़र्क है, कि इसमें ये कब्ज़ा कर लेते हैं, जाके जब जाके दमन इनके पूरी तरह से कब्ज़े में आता है। अब यहाँ पर ट्रीटी ऑफ क्या होती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये रहे ट्रीटी ऑफ बेसिन किसके साथ होती है, बहादुर शाह के साथ होती है, जिसमें ये बॉम्बियन, जिसको ये बॉम्बे बाद में कहा गया, बॉम्बे से मुंबई बन गया, कि मुंबई शायद आइलैंडों का एक हम देखते हैं रीजन है, तो ये इसको भी कब्ज़े में कर लेते हैं उसके ट्रीटी के अंदर ही यहाँ पर। तो यहाँ पर ही पता चल जाता है हमें कि किस तरह से पुर्तगालियों ने, आपने देखा होगा कौन कौन जगहें खास थी यहाँ पर जो हम आज के वक्त में देखने को मिली, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भारत ने कौन कौन सी जगहों को खाली कराया, या फिर जो आज़ादी के बाद भी जो पुर्तगाली जो कब्ज़े में रही, वो थी गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये खास थी इनके बीच पास में। जो कोचीन है वो इनसे डच छीन लेते हैं, और जो बम्बई है ये जो इंग्लैंड वाले होते हैं शादी ब्याह इनके जो राजा रानी होते हैं उनमें होते हैं, तो वो उनको दे दिया जाता है दहेज के तौर पर। इस तरह से यहाँ से इनका इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म हो जाता है पहले ही। अब यहाँ पर देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस क्या रहीं पोर्तुगीज़ की यहाँ इंडिया में, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक तरह से पूरा तरह से कैप्चर कर पाए ये काफ़ी एरियाज़ को, या फिर जो उनका जो मोनोपली है वो उसको इस्टेब्लिश कर पाए यहाँ पर इंडिया में। क्या है, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पावर, सबसे पहला यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं थी उनको चैलेंज करने के लिए यहाँ पर। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सल्तनत हैं कुछ, अब ये सेंट्रलाइज सल्तनत नहीं है यहाँ पर। एक देखते हैं हम बहामनी हैं, विजयनगर हैं, ये भी काफ़ी ताकतवर सल्तनतें रहती हैं, मगर ये इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी ये गुजरात, ये सॉरी जो देखिए तीन सल्तनत यहाँ पर हैं, गुजरात सल्तनत, बहमानी और विजयनगर एम्पायर सल्तनत मतलब यानी के, तो ये इतने ताकतवर नहीं होते पानी के अंदर, यानी कि जो इनकी नेवी होती है ये उसको इतना मज़बूत करते ही नहीं है यहाँ पर। हालांकि कभी हम अगर पढ़ते हैं अपनी एशियन हिस्ट्री में तो हम पढ़ते हैं चोल एम्पायर ने अपनी नेवी को इतना मज़बूत करा था कि चोल एम्पायर यहाँ पर भी था और यहाँ से वो यहाँ तक हमला करने के लिए गए थे चोल राजा थे, फिर उन्होंने यहाँ तक के रीजन को कंट्रोल भी करा था, मगर उनके बाद कोई ऐसा नहीं आया कि जिसने कंट्रोल करा हो समुंदर को अच्छी तरह से, नेवी जो थी ज़मीन समुंदर जो था उस पर कंट्रोल ऐसे करा हो। यहाँ तक कि हम देखें तो मुग़ल जो थे, दिल्ली सल्तनत जो थी, ये तो यहाँ पर थी ऊपर तक ठीक है, और अगर हम देखें तो मुग़ल सल्तनत होती है काफ़ी यहाँ तक के जो रीजन है इसको कैप्चर कर लेती है, ये उनके कब्ज़े में होता है इतना रीजन, काफ़ी अच्छा खासा उनके रीजन कब्ज़े में होता है। मगर मुग़लों तक को आपको इस बात की जानने की हैरानी होगी कि मुग़ल तक इनसे परमिशन लेते थे समुंदर के रास्ते जाने के लिए, यहाँ तक कि अगर उनको जाता था जाना था उनको हज करने के लिए मक्का,
तो उसके लिए परमिशन लेते थे पोर्तुगीज से। हालांकि यहाँ पर हमें एक हम देखें कि बताया था मैंने आपको कि महमूद बेगड़ा, सुल्तान महमूद बेगड़ा होते हैं जो कि सुल्तनत जो गुजरात के राजा होते हैं यहाँ पर, तो वो ताकतवर यहाँ पर होते हैं और वो चैलेंज करते हैं पोर्तुगीज़ को और काफ़ी समय रहता है उनसे लड़ते भी हैं। फिर इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ मैं आपको, ये जो सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा थे ये दिन के एक वक्त में ही 35 किलो खाना खाया करते थे। बहुत हंसी की बात लगती है देखने में, पर ये असलियत है कि ये 35 किलो खाना एक वक्त में ही खाया करते थे और उसके बाद मीठा 2 किलो अलग खाते थे, कि 37 किलो एक इंसान खा रहा है यहाँ पर। और एक बार एक हादसे के साथ ये होता है कि कोई इनको खाने में जहर दे डालता है जिससे ये बच जाते हैं, मरते नहीं बच जाते हैं बाल बाल। तो जो इनके दरबारी होते हैं वो फैसला करते हैं कि महमूद शाह बेगड़ा को, सुल्तनत गुजरात को, सुल्तान को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जहर डेली दिया जाए खाने के अंदर, ताकि उनको इसकी आदत पड़ जाए और कभी उन पर इसका जहर का असर ना हो, यही चीज़ की जाती है। तो यहाँ पर एक वाक्य फिर बाद में यही चीज़ चलती है। और रात में एक चीज़ और होती है कि सोते वक्त खाने के लिए, यानी कि सोते वक्त यानी कि सोकर जैसे सोते में नींद आँख खुल जाए तो खाना चाहिए इनको, फिर खद्दू थे क्या था ले जाने क्या हिसाब था इनका अपना, तो 2 किलो समोसे रखते थे कीमे के, गोश्त के समोसे बने हुए मीट के, 1 किलो एक साइड 1 किलो एक साइड, तो ये उनको भी खा जाया करते थे। यानी कि आप लगाएं कितना ज़्यादा ये इंसान खाता था खाना, 37 किलो एक टाइम, तो 84 किलो तो ऐसे ही हो जाता है, 74 किलो मतलब करीबन करीबन 80 किलो ये इंसान एक दिन में खाना खाया करता था यहाँ पर। तो खैर फिर भी ये अपने हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि खाना वाला खाने वाला इंसान है तो कमज़ोर होगा, मगर ये ऐसा नहीं था। ये एक अच्छे खासे कमांडर थे और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रेजिस्टेंस इतना से देते हैं पोर्तुगीज़ को, मगर इनकी बनी बात जो होता है फिर तो नहीं डूबती ही डूबती है गुजरात सल्तनत की। एबसेंस ऑफ नेवी सेकेंड जो कॉजेज हैं जिससे कंडीशन बेहतर रही पोर्तुगीज़ की इंडिया में इस्टेब्लिश करने को, अपने आप को मोनोपोली इस्टेब्लिश करने की, अपनी एबसेंस ऑफ नेवी और अनडेवलप्ड नेवी। यहाँ पर हम देखें कि एबसेंस ऑफ नेवी यानी कि नेवी नहीं थी, और नेवी थी तो वो अनडेवलप थी। अनडेवलप्ड नेवी काफ़ी हद तक हम देखें चलते थे गुजरात की भी अनडेवलप्ड नेवी थी। असल में था क्या कि वो पोर्तुगीज़ थे वो माहिर ही समुंदर के अंदर थे, नेवी के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर थे और माहिरत उनके हाथ में हासिल थी, जिसके बलबूते पे ही उन्होंने कई सारे जगहों पर कब्ज़ा भी करा था, वही वजह थी। मगर यहाँ पर जो अरब्स थे वो भी तो आया करते थे इंडिया में जहाज़ लेके, तो उनके जहाज़ भी यहाँ पर क्या थे, कम पावरफुल थे। वजह क्या है कि जिस रीजन में वो रहते हैं आप जानते होंगे, सऊदी अरब का जो रीजन है या फिर जो अरब का एरिया है आसपास का, चाहे ईरान इराक कुछ भी हो, उसमें अफ्रीका भी आता है काफ़ी हद तक, लकड़ी नहीं मिलती वहाँ पर। अब लकड़ी नहीं है तो इंसान जो जहाज़ बनाएगा वो काम चलाऊ बना लेगा, थोड़ा बहुत काम मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा कर सकता है, उससे वहाँ इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकता। फिर दूसरा यहाँ पर था कि जो चाइनीज़ एम्प्रायर भी जो थे उनकी आर्मी जो थी वो बहुत पावरफुल थी, वो पोर्तुगीज़ को टक्कर दे सकती थी, मगर जो चाइनीज़ एम्प्रायर थे उन्होंने लिमिट लगा रखी थी अपनी नेवी के लिए कि आपको इस हद तक जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना। तो पोर्तुगीज़ नेवी और चाइनीज़ नेवी की झड़प उस समय तो नहीं होती, बाद में हालांकि हो जाती है काफ़ी टाइम बाद जाकर। तो ये जो ख़ास वजह थी वो जो समुद्र पर उन्होंने मोनोपोली इस्टेब्लिश करी, फिर समुद्र के ज़रिए से ही उन्होंने जो काफ़ी जो तटीय इंडिया का जो रीजन था वेस्टर्न उस पर कब्ज़ा करा, यहाँ तक कि वो हुगली तक पहुँच गए। तो पोर्तुगीज़ स्टेट के बारे में बताते हैं यहाँ पर कि फेवरेबल कंडीशन तो यहाँ पर ये रही, और काफ़ी हद तक ये भी था कि सेंट्रलाइज पावर नहीं थी इंडिया में, ये भी कमज़ोरी थी इंडिया की। तो पोर्तुगीज़ स्टेट ये विजय ऑपरेशन विजय के बारे में मैंने फ़ोटो दिखाए हैं आपको, जब इंडिया से आज़ाद किया जाता है, इंडिया से भगाया जाता है पुर्तगालियों को, ये ऑपरेशन विजय का है यहाँ पर। तो पोर्तुगीज़ स्टेट कौन कौन से यहाँ पर आ जाते हैं देखिए, ये मैप के जरिए से दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये मैप है जो मैंने लिया है यहाँ पर, जिसको वो कहते थे पोर्तुगीज़ स्टेट को इस्टाडो पोर्तुगीज़ द इंडिया यानी कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो कैप्चर करते हैं वो तो आप जानते ही होंगे, कालीकट होता है, कन्नानूर होता है यहाँ पर, कोचीन होता है, फिर नीचे आप देखें तो यहाँ पर कोलन है, कोलोन है, और कोलंबो तक भी पहुँचते हैं। वजह ये होती है क्योंकि जब वो जाते हैं हुगली यानी कि जब वो जा रहे होते हैं इस साइड से होते हुए, तो उनको ये दिखाई दे जाता है यहाँ पर, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को दिखाई देता है, तो वो सोचते हैं इसे भी कब्ज़ा कर लें हाथ के हाथ अच्छे लगे हाथों, तो वो ये चीज़ करते भी हैं बाकायदा।
यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी जगहें हैं बंगाल में, देखिए ये हुगली है जिसको वो खुद ही डेवलप करते हैं यहाँ पर से, और बाद में उनको खुद ही भगाया जाता है वहाँ से। दमन, दादरा नगर हवेली, ठीक है, और दियो तो यहाँ पर बताया था मैंने आपको, बेसिन, बॉम्बे की मुंबई, चौल, बालाकोट, बैनकोट, और इस तरफ भी देखेंगे आप तो बहुत सारे जो रीजन हैं इनके पास वो कैप्चर हो जाते हैं, वो कंट्रोल ये अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं। आप इस मैप के चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, काम आएगा आपके। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ जो रीजन है जो हमने नहीं पढ़े वो कैसे कैसे इनके पास आ गए, कुछ जो खास खास रीजन जो इनके पास रहे जो बाद तक भी रहे इनके आज़ाद होने के बाद भी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है हमें इसके ज़रिए से। दादरा नगर हवेली जो हमारी बुक के अंदर नहीं दिया गया, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। दादरा एंड नगर हवेली होता क्या है कि ये 72 गाँव का एक समूह होता है, इसमें 72 गाँव होते हैं, इट कंसिस्ट 72 विलेजेस। यहाँ पर कहाँ पर है ये, एक मिनट अगर कोई मैप है तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा ये है, यहाँ पर है, कहाँ पर, ये इस रीजन में है। अब के वक्त में जो है ये आधा महाराष्ट्र में है, आधा गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दादरा नगर हवेली जो है वो किस तरह से ये ऑक्यूपाई करते हैं पोर्तुगीज, किस तरह से इस पर कब्ज़ा करते हैं। ये गलती होती है, जैसे अगर हम माने इस चीज़ को तो मराठाओं की गलती वजह से ये ऐसा होता है, हालांकि हमारी जो हिस्ट्री है वो इस तरह से नहीं देखती इस चीज़ को। तो इसमें क्या होता है, दादरा नगर हवेली रूल्ड बाय कोली, कोली चीफ्टन, यानी कि ये सामंत होते हैं राजाओं, राजा जो होते हैं कोली, जो कि दादरा नगर हवेली और इसके आसपास के जो रीजन्स होते हैं उस पर कंट्रोल करते हैं और रूल करते हैं। और इनके यहाँ एक सिस्टम होता है चौथ, चौथ जैसे कि आप में से अगर किसी ने पढ़ा होगा कि जो मुस्लिम रूल्स थे वहाँ पर क्या होता था कि एक तरह से टैक्स दिया करते थे, जो छोटे रूलर हुआ करते थे वो टैक्स दिया करते थे बड़े रूलर को, बड़े राजाओं को। तो वही चीज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल की गई, जैसे खराज कहा जाता था, याद आया मेरे वर्ड, खराज दिया करते थे अपने राजाओं को, उन्होंने कहा कि हम आप पे हमला करेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, या आप हमें खराज दो, तो लोग मानते करते थे हम खराज देंगे, और बल्कि आप अपने रूल करिए, यानी कि आप हमारे जमीन बड़े मालिक होंगे, बादशाह होंगे, हाँ अपने के राजा होंगे यहाँ पर। मगर बाद में क्या होता है, जो कोली राजा होते हैं इनको मराठा ही हरा डालते हैं, प्रिंस राजपूत राजा होते हैं वो इनको हराते हैं, कब, 1262 में यहाँ पर, और फिर पर इनके जो राजपे होता है वो कब्ज़ा कर लिया जाता है। मगर ये नहीं है कि इनको भगा दिया गया हो, यहाँ पर राज उनका रहता है, राज करते हैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक। द पोर्तुगीज वर ग्रांटेड द एरिया ऑफ नगर हवेली ऑन 10 जून 1783। अब क्या होता है यहाँ पर, 10 जून 1783 को ये जगह जो होती है पोर्तुगीज़ को दे जाती है, नगर हवेली, दादरा नगर हवेली नहीं दी जाती उनको, नगर एंड हवेली दी जाती है वो याला रीजन, कौन सा रीजन, ये जो है ये वाला रीजन दिया जाता है इनको, जिसकी बना हुआ है ना यहाँ पर, जो दूसरा मैप देख रहे हैं आप जो उसी टाइम का है पुर्तगालियों के टाइम का, याला रीजन को दे दिया जाता है किनको, पुर्तगालियों को। क्यों दिया जाता है, कि जो मराठा होते हैं उनसे गलती हो जाती है। अब वो गलती होती क्या है, वो ये होती है कि 17 दिसंबर 1779 को वो हमला कर डालते हैं पुर्तगालियों की शिप पर गलती से, 72 में, तब होता है ये ट्रीटी के जाती, पहले तो ट्रीटी होती है, ठीक है, इससे पहले क्या होता है कि ये हमला कर डालती है मराठा नेवी 1772 में, किन के जहाज़ के ऊपर, पुर्तगाली जहाज़ के ऊपर, वो डूब जाता है जहाज, या फिर नुकसान उसको हो जाता है। तो पुर्तगाली कहते हैं कि हम आपका जो रास्ता है उसको बंद करेंगे, क्योंकि समुंदर बहुत काम की चीज़ थी, व्यापार करने के समुंदर काम आता था, अगर व्यापार बंद था तो ये जो मराठा थे ये भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए भाई। और दूसरी चीज़ भी यहाँ पर थी कि मराठाओं की लड़ाई चल रही थी उस टाइम मुगलों से भी काफ़ी हद तक, मुगल से भी थी, या फिर वो कब्ज़ा कर चुके ही थे काफ़ी हद तक, मगर जो अंग्रेज़ थे उनकी लड़ाई चल रही थी उस टाइम इनकी, और जो दूसरे राजा थे उनसे भी लड़ाई थी आपस में, और इनके आपस के अंदर भी लड़ाई थी कि पेशवा कौन बनेगा। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए कि पुर्तगाली भी हम पे हमला करें या फिर हमारे ऊपर काबिज हो जाएं, इसने क्या करते हैं, ये पुर्तगाली से एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी कर लेते हैं, कब, 17 दिसंबर 1779 को। किस गलती के लिए, कि उन्होंने 1772 में मराठा की नेवी ने पुर्तगीज़ के जहाज़ को डुबो दिया था, जिसका नाम संतन था, सनाता था, और फिर ये क्या दे डालते हैं,
इनको दादरा नहीं देते, नगर हवेली को दे डालते हैं और ये इस पर रूल करते हैं। ये किसने दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पर कंट्रोल करिए और जो रेवेन्यू निकल कर आएगा वो आप लेंगे। 72 विलेज होते हैं नगर हवेली में। और जब आपका रेवेन्यू निकल रहा है, जो आपकी गलती हमसे हो गई है, जो हर्जाना है वो आप ले लें पूरा, तो ये हमें वापस कर दीजिएगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता। जो पुर्तगाली होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, रेवेन्यू लेते हैं, और जब मराठा होते हैं वो तो भूल ही जाते हैं वापस लेना नगर हवेली को। बाद में क्या होता है कि 1785 में जो पुर्तगीज़ होते हैं वो दादरा को भी ख़रीद लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा जो होता है स्टार्ट ऑफ द पुर्तगीज़ द इंडिया इस्टेब्लिश हो जाता है। इस सारा जो रीजन हम पढ़ते हैं जो बाद में भी इंडिया की सारी बात भी रहा ही है काफ़ी रीजन। ये इसका मैप है, इसको भी आप देख सकते हैं आसानी से समझने के लिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो अगला यहाँ पर हेडिंग दी गई है वो है पुर्तगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन। पुर्तगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि अलग अलग रीजन के झंडे होते हैं। उनका तो झंडा यहाँ का था ये वाला इंडिया के लिए। इसमें क्या होता था, पुर्तगीज़ इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड था वो वायसराय हुआ करता था। काफ़ी सारे वायसराय इंडिया के अंदर उनके रहे, तो वायसराय था हेड, उसका 3 साल का टेन्योर था, मतलब उनका कार्यकाल 3 साल का हुआ करता था। तो उसके लिए अब वो क्या सारा काम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए उसके लिए कोई ना कोई सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता था। बाद में वो पूरी की पूरी काउंसिल बना दी गई, एक तरह से दरबार बनाया गया, दरबार बनाया गया कि हर काम को बांट दिया गया अलग अलग से। वेटो द फ्रेंजा, ये एक रेवेन्यू, जैसे हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू मिनिस्टर वो करता था या फिर रेवेन्यू ऑफिशियल था जो कि ख़जाना वगैरह इकट्ठा करता था। जो पोर्ट्स हैं, फ्लीट्स हैं, उन पर कौन सा माल आ रहा है, कौन सा जा रहा है, उसकी लेख देख लेखा जोखा ये करता था यहाँ पर। अब ये तो हो गया कहाँ पर, जहाँ कैपिटल होगी, जहाँ इनकी टेरिटरी थी, इनकी जो गोवा थी, पहले कोचीन थी बाद में गोवा बन गई। अब जो बाद के जो रीजन थे, जो दूसरे रीजन थे, काफ़ी बड़ा था ना स्टेट जो ये जो पुर्तगीज इंडिया था, ये कितना बड़ा रीजन है यहाँ पर ये सारे में, तो ये तो सिर्फ यहाँ बैठा हुआ है जो वायसराय है वो तो सिर्फ गोवा के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पर। और ये सारा कौन रूल करेगा जो बचा हुआ रीजन है। इसके नहीं क्या था, इन्होंने किलेबंदियाँ करी थी, जैसे कि हम जानते हैं इन्होंने किलेबंदियाँ काफ़ी लंबे अरसों तक जगह पर करी थी। तो किले के ऊपर जिसे एक टर्म होती है, इसको कहा जाता है किलेदार, फोर्ट मास्टर इसको कहते थे, या फिर तो फोर्ट्रेस के ऊपर एक कैप्टन को अपॉइंट किया जाता था यहाँ पर, जो उनके जो किले थे वहाँ पर अपना रूल करता था यहाँ पर, ठीक है। और एक फैक्टर था जिनकी हेल्प करता था वो इनकी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, मान लीजिए कभी किसी पर, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में जो ये है, हम वायसराय है वो यहाँ पर रूल कर रहा है, कंट्रोल चला रहा है मतलब अपना, और हमला यहाँ पर हो गया दमन में, तो ख़बर पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आता है, सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि जो फोर्ट मास्टर है, जो कैप्टन है, उनको सोवरेंटी दी गई थी काफ़ी हद तक, उनको छूट दी गई थी कि आपने रीज़न किया, आप आराम से राज को चलाइए सही तरीके से, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ यहाँ पर दी गई थी कैप्टन को। तो इससे क्या था, ये अपने तौर पर लोगों का दमन भी करते थे और ज़्यादा रेवेन्यू भी इकट्ठा कर लिया करते थे, मतलब अपना पर्सनल प्रॉफिट भी निकालते थे यहाँ पर ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, किनकी, पुर्तगीज़ की। यहाँ पर ये तो हम शुरुआत के अंदर जब हमने पढ़ा था, बताया था मैंने शुरुआत के अंदर वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेट थे, बिल्कुल उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, परसिक्यूट करते थे मुस्लिम को बहुत ज़्यादा, उनकी हत्या कर देना, जहाँ उनको पता चला कि मुस्लिम रह रहे हैं, पूछा ना कुछ, किया तो क्रिश्चियन बनो या मर जाओ डायरेक्ट, या हमारा कत्ल कर देंगे हम, जो बन गया ईसाई तो बन गया, जो नहीं बना उसकी हत्या कर दे करते थे ये। मगर अब कुछ टाइम तक ये जो हिंदू थे उनके नहीं ये इनटॉलरेट रहते हैं यहाँ पर, मगर जब बाद में ये गोवा के अंदर इंक्विजिशन इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि लोगों को ईसाई बनाने का जो एक जहाँ से कैंपेन चलाते हैं, तो वही चीज़ ये सेम जो ये साथ कर रहे थे मुस्लिम के, वो हिंदू साथ भी करते हैं। ये हिंदुओं से कहते हैं कि ईसाई बनो वरना आपकी हत्या हम कर देंगे, जो बन गए बन गए, जो भाग गए वो भाग गए, और जो बच गए उनकी फिर हत्या ही कर दिया करते थे यहाँ पर। फिर ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सब जगह पर ईसाइयत को फैला दें, शुरुआत से ही इनका यही एम था पुर्तगीज़ का,
और काफ़ी हद तक जो हम देखेंगे स्पेनिश थे उनका भी यही रोल था, यहाँ पर एक तरह से उनका एम था। एक वजह यहाँ पर ये भी थी कि जब हम देखें कि ट्रीटी ऑफ टोर्डाइस करवाई गई थी तो उस टाइम के जो पोप थे, ठीक है, तो उनके बीच और उनके बीच पोर्तुगीज इस पे डिश ये थी कि भाई हम आपको दुनिया का जो एरिया है उसको बांट देंगे, ठीक है, अब आपका तो फ़ायदा हो गया दोनों राजाओं का, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। पोप ने कहा कि आप एक काम करेंगे, दुनिया में जहाँ जहाँ जाएंगे क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे आप और इस्लाम को बर्बाद करेंगे यहाँ पर। तो फिर इसी काम के लिए इन्होंने पोर्तुगीज़ ने क्या करा, फैलाया काफ़ी हद तक इस्लाम को, वो सॉरी इन्होंने फैलाया काफ़ी हद तक क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर। और इसी के चलते इन्होंने 1579 में एक जेसुइट भेजा, यानी कि अपने दो पादरियों की टीम भेजी किसके दरबार, मुगल जो दरबारी जो राजा थे अकबर उनके यहाँ। अकबर ने इनको ख़ुद ही बुलाया था क्योंकि अकबर का एक अलग ही हिसाब था, उन्होंने आप जानते होंगे कि उन्होंने दीन इलाही बनाया था, तो उनका ये था कि वो हर धर्म की चीज़ों को जानते थे, इस धर्म का ये अच्छा लगा इसको अडॉप्ट कर लिया, ईसाइत में अच्छा लगा इसको अडॉप्ट कर लिया, हिंदू धर्म के अंदर अच्छा लगा उसको अडॉप्ट कर लिया, जो इस्लाम में था अच्छा अडॉप्ट कर लिया। इस तरह से उन्होंने अपना खुद का ही दीन बनाया था यहाँ पर। और फतेहपुर सीकरी के अंदर जो उनकी राजधानी हुआ करती थी वहाँ पर उन्होंने बनाया था एक इबादत खाना, जहाँ पर हम कहें तो हर धर्म के लोग आया करते थे, अपने धर्म की विशेषताएँ गिनाया करते थे वहाँ पर। और फिर जो अकबर थे वो उनको समझ समझ के उन्होंने अपना दीन बना लिया था, मतलब एक पूरा रिलीजन बनाया था। हालांकि वो फेल हो जाता है, जो दरबारी होते हैं वो तो मान लेते हैं उस चीज़ को, बाकी कोई नहीं मानता। और एक चीज़ आपने कभी पढ़ी होगी वो होता था जरोखा दर्शन, जरोखा दर्शन भी उसी धर्म का उनके हिस्सा था कि वो दिन में आया करते थे, अपने आपको वो ईश्वर बनाया उन्होंने, कैसे कि भाई मेरी बात करो, लोगों से कहा तो मैं एक बार दिन में बाहर निकल के आया करूँगा, लोग मुझे देखा करेंगे, इससे क्या है कि एक तरह से कि मेरे दीदार कर लिए, मेरा क्या सिर्फ देखने के लिए आ गए, तो उनके धर्म का हिस्सा था वो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी में। फिर दोबारा भेजा जाता है पुर्तगाल जैसे तरीके से 1590 में, फिर तीसरा भेजा जाता है यहाँ पर एक बार और, तीसरी बार कब, 1595 के अंदर। हालांकि ये तीनों काफ़ी तक अपनी बात को छोड़ डालते हैं यहाँ पर, मतलब जो काम होता है इनका पूरा हो जाता है, मगर जो मुग़ल होते हैं वो तो मुसलमान ही रहते हैं, चाहे भले से वो नाम के रहे हों। फिर जो बाद में सलीम होते हैं उनके टाइम में भी काफ़ी तक हम देखते हैं कि जो दरबार में ईसाई होते हैं उनका दबदबा रहता है, मगर वो दबदबा ख़त्म हो जाता है शाहजहाँ के टाइम तक आते आते, क्योंकि पुर्तगाली कर चुके होते हैं बहुत बड़ी गलती, जैसे कि इसमें हेडिंग दी गई है पुर्तगीज़ लूज़ फेवर विद मुगल्स। यहाँ पर क्या होता है कि अब ब्रिटेन है, जैसे कि सबसे ज़्यादा खास जो नुकसान पुर्तगीज़ को ये हुआ कि जो उनका सी रूट था वो छुपा नहीं रहा पुर्तगीज़ तक। जो एक चीज़ और है कि स्पेनिश क्यों नहीं है, स्पेनिश की तो भाई ट्रीटी हो चुकी थी, मगर यहाँ पर चाहे डच हो, ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, उनसे तो कोई ट्रीटी थी नहीं इनकी, तो वो इंडिया आ सकते थे यहाँ पर सी रूट का तलाश करते करते, या फिर जो सी रूट पर चल गया था उसको चुपके से ढूंढते हुए यहाँ पर इंडिया तक आ सकते थे, या फिर इनके पीछा करते हुए भी आ सकते थे। तो यहीं पर एक ब्रिटेन के जो हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चीज़ और समझ लीजिए आप, पुर्तगीज़ जो थे वो भारत में आए, वो प्राइवेट नहीं थे, उनको राजाओं ने खुद भेजा था, मगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट थी, वो सिर्फ ज़्यादातर यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी। पुर्तगीज़ का तो अपना हिसाब अलग था कि व्यापार भी करेंगे, जो मुसलमान हैं उनको बर्बाद भी करना है यहाँ पर और ईसाइत को भी फैलाना है। तो मुग़ल कोर्ट के अंदर जब जहांगीर होते हैं उनके टाइम में आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस, किस लिए आते हैं कि वो शाही फरमान लेने के लिए आते हैं कि हम इंडिया के अंदर व्यापार करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दें इस चीज़ की। कब आते हैं, 1608 में, और जो जहांगीर होते हैं वो उस चीज़ के लिए मान जाते हैं, उनको मनसबदार बना देते हैं 40 गांवों का, जिसमें से 30,000 सैलरी उनको जो रेवेन्यू तब मिलना था, हालांकि उनको नहीं मिल पाता ही है, मनसबदार बन जाते हैं। हालांकि वो और एक चीज़ और है कि व्यापार जो अभी स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी का है वो शुरू हो चुका होता है। अब यहीं पर जो कंडीशन अरब के साथ थी वही कंडीशन पुर्तगीज़ के साथ भी आ जाती है। पहले डर होता है अरब्स को, जैसे कि दुकान वाले को डर होता है कि भाई बराबर कोई दुकान दोबारा से दूसरी ना खुल जाए जो सेम चीज़ें बेचे, वही चीज़ पुर्तगीज़ को होती है कि यार पहले तो हमने भगाया था अरब को, अब हमें भगाने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है। मगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट होती है और पुर्तगीज़ के पास जो राजा हैं उनका सपोर्ट होता है यहाँ पर। फिर यह क्या होता है, यहाँ पर हॉकिन वॉज ऑल्सो मैरिड टू अ डॉटर ऑफ आर्मेनियन क्रिश्चियन मुबारक शाह, मुबारक शाह थे इनके दरबार में, जहांगीर शाह में जहांगीर दरबार के अंदर दरबारी, तो उनकी बेटी से शादी की जाती है कि इनकी कैप्टन हॉकिंस की,
इसलिए जो कैप्टन हॉकिंस होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं मुगल दरबार के अंदर, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरी जैसे मजबूत हो जाती है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर पोर्तुगीज़ करते क्या हैं कि पोर्तुगीज़ कोशिश करते हैं कि ब्रिटेन के जहाज़ को या तो हम डुबो दें या हम भगा दें, उनकी तरह से कोशिश करें कि वो इंडिया में ना आ पाएँ और ना अपना इस्टेब्लिश, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोनोपोली उसको इस्टेब्लिश कर पाएँ या अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कर पाएँ। हालाँकि जो हम देखते हैं कि एक बार कोशिश भी करते हैं वो सूरत पोर्ट पर आने से रोकते हैं उनको, क्योंकि सूरत जो होता है वो उनका हिस्सा बन चुका होता है पोर्तुगीज़ का उस टाइम तक, बाद में छिन जाता है उनसे। इन नवंबर 1612 द इंग्लिश शिप ड्रैगन अंडर कैप्टन बेस्ट अलोंग विद लिटल शिप, दो शिप थी जिसमें एक शिप थी ओसिंडर, दो शिप आती हैं लेकर आते हैं यहाँ पर और इन पर पोर्तुगीज़ हमला करते हैं जिसमें पोर्तुगीज़ की हार होती है और ब्रिटिश जीत जाते हैं। अब जहांगीर बड़े खुश होते हैं इस बात से कि यार अच्छा हुआ कि पोर्तुगीज़ ने परेशान कर रखा था हमें, क्योंकि वो जाने से रोकते थे बाहर क्या कहते हैं जो ये इंडियन की जो फ्लीट्स होती थी जो मुगल के जहाज़ थे उनको, क्योंकि उनके जहाज़ मजबूत थे मुगल जहाज़ कमज़ोर थे, इन पर नेवी ही नहीं थी मुगल के पास। तो इससे खुश होते हैं जहाँ पर जहांगीर जो हैं, ठीक है, क्योंकि पहली बार था कि पोर्तुगीज़ को किसी ने इंडियन ओशन के अंदर हराया था यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो अपना जो फेवर होता है पोर्तुगीज़ धीरे करके लूज़ करते जाते हैं यहाँ पर से। इन 1630 द पोर्तुगीज़ ऑफेंड जहांगीर बाय कैप्चरिंग मुगल शिप। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पोर्तुगीज़ को गुस्सा भी आता है कि मुगल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारा, तो पोर्तुगीज़ क्या करते हैं, मुगल जहाज़ होता है उसको वो कब्ज़े में कर लेते हैं यहाँ पर। इससे इनके जो सब जो देखते हैं रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं काफ़ी हद तक। अब अगला जो आता है वो यहीं से है, इसी से हम देखते हैं कि आगे बढ़ रहा है हमारा जो टर्म चल रहा है यहाँ पर, फेवर लूज़ कर रहे हैं मुगल के अगेंस्ट, वो यही पार्ट है। जो हुगली होता है सतगांव के पास है, वो बंगाल के अंदर बंगाली खाड़ी में ही देखते हैं हम यहाँ पर, देख लीजिए पास में दिखा देते हैं ये सतगांव है, तो यहाँ पर ही कैसे पोर्ट डेवलप कर लेते हैं यहाँ पर सतगांव के अगेंस्ट। इससे जो सतगांव होता है वो तो अपना जो इन्फ्लुएंस को खो देता है यहाँ पर, हालांकि जो हुगली होती है उसको डेवलप जो काम करना होता है ये खुद ही करते हैं पुर्तगाली सारा का सारा। और ये कब चालू जाती है यहाँ पर 1537 में, और सब कुछ इनके कब्ज़े में होता है यहाँ पर, ट्रेड भी है स्लेव्स का भी जो यहाँ पर देखते हैं हम, स्लेव का ट्रेड जो है ये शुरू कर डालते हैं, हिंदू मुस्लिम बच्चों को ख़रीदते हैं उनको ईसाई बनाकर ईसाई लोगों को बेच डालते हैं ये पुर्तगाली। इससे जो मुग़ल थे वो गुस्से में थे इनके, और फिर ये गलती क्या करते हैं कि जो मुग़ल बादशाह की जो बादशाह जहाँ होते सॉरी शाहजहाँ उनकी बीवी थी मुमताज़ महल, उनकी जो बांधियाँ थी जो स्लेव्स घर के आती थी उनको भी ये कब्ज़े में कर लेते हैं। इसकी शिकायत जो मुमताज़ होती हैं वो शाहजहाँ से करती हैं, और शाहजहाँ अपने दरबारी या अपने गवर्नर बंगाल के कासिम खान को ऑर्डर देते हैं कि आप जाइए और जो हुगली है उस पर हमला करके कब्ज़ा करिए, पुर्तगाली को भागिए वहाँ से। और एक वजह और थी यहाँ पर कि मुग़ल जो ये पुर्तगीज़ थे ये हुगली के ज़रिए से समुंदर के अंदर बंगाली खाड़ी के अंदर पायरेसी करते थे, मतलब एक तरह से जहाज़ में लूटना खसोट करना, किसी का जहाज़ आया उससे कहा हमें टोल टैक्स दो अंदर आना है तो वरना हम आपके जहाज़ को डुबो देंगे, कोई नहीं माना जहाज़ को डुबोया, लोगों को पकड़ लिया सामान लूट के भाग गया ये, तो इसलिए इनको हटाया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इनका एम्पायर है तरह से जो इंडिया में था ये स्टार्ट ऑफ पोर्तुगीज़ द इनके वो ख़त्म होने लग जाता है यहाँ पर। फिर डच भी आते हैं, ब्रिटिश भी आते हैं, वो भी इनके जो एरियाज होते हैं उनको कैप्चर करने लग जाते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि ज़मीन में ये मजबूत नहीं थे, ब्रिटिश मजबूत थे इसलिए उनको हटा पाते हैं यहाँ से वो, और इनका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है। डिक्लाइन के वजह काफ़ी सारी होती हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा था इजिप्ट के अंदर ये जो आसपास के जो पोर्ट्स होती हैं उन पर कब्ज़ा कर लेते हैं, रेड सी के अंदर घुस जाते हैं ये, इजिप्ट के अंदर नई डायनेस्टीज़ एमर्ज होती हैं जो पावरफुल होती हैं उनको हटाती हैं पर्शिया में और नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में ख़ासकर जो मराठास होते हैं जिनको ये उनको बहुत चैलेंज करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो मराठा थे उन्होंने दादा नगरी हवेली को दी थी, मगर उनकी गलती थी इसने दी थी और समुंदर से उनको फायदा था इसने उन्होंने दी थी, मगर बाकी बाद में क्या करते हैं सेलसेट एंड बेसिन का जो हिस्सा होता है 1739 में पोर्तुगीज से छीन लेते हैं ये। इसमें जो इनकी हेल्प करते हैं वो चिमोजी अप्पा करते हैं यहाँ पर। तो पहला रीज़न ये है कि पावरफुल डायनेस्टी जाती हैं यहाँ पर। दूसरा रीज़न होता है इनकी रिलीजियस पॉलिसी। इनकी रिलीजियस पॉलिसी सिर्फ ये थी कि भाई क्रिश्चियनिटी को फैलाना है तो जो दूसरे धर्म हैं उनको बर्बाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर ये ट्रेड के अंदर गड़बड़ करते थे आप जानते ही हैं, पायरेसी वगैरह करना,
और फिर इन्होंने ब्राज़ील को भी ढूंढ लिया था। किसने ढूंढा था आप जानते होंगे, कैबराल ने, पेड्रो कैबराल ने ढूंढा था ब्राज़ील को। तो इनको लगा कि इंडिया से बेहतर तो ब्राज़ील है, पास भी हमारे नहीं है, आसानी भी है यहाँ पर कंट्रोल करना। फिर यहाँ पर एक वजह और होती है जो इनको नुकसान पहुँचाती है, वो है कि इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ इनका वॉर होता है, ये और स्पेनिश जो आर्मी होती है जो लड़ती है ब्रिटेन से और इससे हॉलैंड से, इससे ये कमज़ोर पड़ जाते हैं काफ़ी। अदर यूरोपियन कंट्रीज सो नो न्यू मतलब जान चुके होते हैं सी रूट इंडिया तरफ, जैसे कि ब्रिटेन वाले रहते हैं टच आ जाते हैं तो वो इनको भगाते हैं यहाँ पर। और जो गोवा जो इनकी राजधानी होती है वो फ़ायदेमंद किसनी होती है इनके लिए, तो विजयनगर एम्पायर होता है जो हम्पी होती है की राजधानी, सारा ट्रेड वो गोवा से करती थी तो उनको रेवेन्यू मिलता था। जब विजयनगर एम्पायर कोलैप्स जो हो गया तो इनके लिए जो फ़ायदा था वो बर्बाद हो गया रह गया इनका, तो इस तरह से इनका जो एम्पायर है वो डिक्लाइन कर जाता है। हालांकि ये बाद में भी जो आज़ादी मिल जाती भारत को फिर भी ये रूल करते हैं, मगर वो बात नहीं रहती अब। अब हमें फ़ायदा क्या हुआ पोर्टुगीज से, सिग्निफिकेंस क्या रही इंडिया के लिए, इससे क्या हुआ कि नेवल पावर बनी इंडिया की, इससे मतलब लोगों को ये पता चला कि नेवी की अहमियत ही क्या है यहाँ पर। तो भारतीय राजा ने बाद में अपनी जो नेवी है उनको डेवलप करा काफ़ी हद तक। इन मालाबार ऑफ द 16th century पोर्टुगीज शो मिलिट्री इनोवेशन इन देयर यूज ऑफ बॉडी आर्मर, बॉडी आर्मर ये पहना करते थे अपनी आर्मी के अंदर। पहले क्या था ये भाला पहन, इंडिया लोग भी पहनते थे ये चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, मगर उनको चमड़े की वो करते थे, चमड़े के गद्दे के बना के पहन लिए। फिर एक चीज़ और थी मैच लॉक मैन गन, इतना ही गन हुआ करती थी मैच लॉक, और इसको इस्तेमाल करने वाले लोग तो कहते थे मैच लॉक। देखिए क्या है गन, एक ही गन थी जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इसकी एक तागा लगा हुआ करता था, यहाँ पर एक आदमी ने संभाल लिया इसको, जैसे कि देख रहे हैं आप ही संभाल चुका है एक आदमी, ये तिब्बत का है हालाँकि इसने संभाल लिया गन को, निशाना इसने ले लिया, टारगेट ले लिया। अब तागे के अंदर इसमें लगाया गया ये आदमी आग, यहाँ तागा है, मतलब ऐसी गन नहीं थी यहाँ पर उस ज़माने के अंदर कि बटन दबाया फट से चल गई गोली, वो नहीं था, इसने तागे में आग लगाया, टारगेट लिया और चल गया फायर। ये इस तरह की गन हुआ करती थी यहाँ पर जो इन्होंने इस्तेमाल करी, इन्होंने तरह से डेवलप करी इंडिया के अंदर भी, इंडिया के लोग जान पाए इस तरह से। फिर यहाँ पर ये था कि शिप्स के अंदर बड़ी तोपें डबल डेक शिप का ये इस्तेमाल करते थे, कैस्टल पो टेक्निक थी जिसका ये खासकर इस्तेमाल किया करते थे, उसको दिखाता हूँ मैं जूम करके आपको। और इसमें क्या है कि यहाँ का है ये आय का हिस्सा स्ट्रीम, ये हिस्सा इसलिए था कि पानी को चीरने के लिए, आप जानती हैं नोकीला हुआ करता था ये। और ये था चकोर, चकोर डैक बिल्कुल ऐसा कि कोई अगर इनके ऊपर हमला करे तो ये यहाँ से फायरिंग करके तीर चला के जो चाहे कैनन चला के उसको भगा सकें, उसको हरा सकें। और डबल डैक शिप ये भी इसमें दिख जाएगा आपको कि डबल डैक शिप का इस्तेमाल करते थे यहाँ पर। मान लीजिए नीचे खाना पक रहा है, लोग रह रहे हैं या सामान रखा है, हथियार वथियार, यहाँ पर आर्मी हो जो ध्यान, जो नेवी है वो ध्यान रख रही है, तो ये इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। और ये यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पोर्तुगीज़ है इसके बारे में बताया गया था हमारी बुक के अंदर, वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। और फिर बाद में जो हम पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही पढ़ेंगे, ये हमारा जो पढ़ रहा है तब तक हम बुक के अंदर, ये मिडिवियल हिस्ट्री का पार्ट था हमारा कि किस तरह से जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना राज इसके बाद स्थापित करती है, वो किस तरह से वो आ पाई थी इंडिया के अंदर। तो ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सारी दूसरी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय।